जिले के सिमलिया थाना क्षेत्र में कोटा बारान हाईवे पर वैन चालक ने बाइक सवार दंपति के पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में घायल गर्भवती महिला की हॉस्पिटल में लाते समय मौत हो गई। महिला सीमा चौहान कोटा में खेरली फाटक की रहने वाली थी। अपने पति कुलदीप सिंह के साथ एमपी गुना के खोलूखेड़ी गांव में ससुराल जा रही थी। साल भर पहले ही उसकी शादी हुई थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए एमबीएस हॉस्पिटल की मोर्चरी में शिफ्ट करवाया है। 5 बजे के लगभग वहाँ जा रहा था गांव। 4 बजे उठा मैं, 4 बजे निकला यहाँ से छबड़ा के लिए, और गड़े पान की पुलिया के नीचे पीछे की तरफ क्या नाम से मेरी गाड़ी जा रही थी, बेन आई पीछे से टक्कर मारी उसने, हम दोनों इधर गड़ के और बेन आगे जाके पलटी कर। उसके बाद हाँ तो क्या उसने शराब पी रखी थी, लापरवाही पूर्वक तेज रफ्तार सारी थी वो गाड़ी, पता नहीं है शराब पी रखी थी क्या कुछ बन, एम्बुलेंस हाँ नहीं लगी, वो एक्सपायरी होगी नहीं यहाँ आने के बाद। तो कब शादी हुई थी? साल भर हो गया। बच्चा बच्ची? हाँ 6 महीना प्रेगनेंट थी। 6 महीने प्रेगनेंट थी। क्या करते हो आप? खेती बाड़ी।